साल से दिल्ली में? 4-5 साल। अब नहीं रहूंगा मैं दिल्ली, मैं नहीं रहूंगा। और आने वाले बंदों को भी मना करूं, दिल्ली मत जाओ, गाँव रहो, अपनी जाइए, दो रोटी कम खाओ, गाँव रहो। कलमुआ कैंप में कोई बताया था हमको कि राशन बट रहा है, तो फिर हम आधार कार्ड लेके वहाँ बच्चों को लेके गए थे राशन लेने। राशन नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, ऐसे बगिया दो दो केले मिले थे हमारे घर, देख लो चल के एक बर्तन भी नहीं हमारे पास, चूल्हा पूजा पड़ा है। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। ये एक तरह से कर्फ्यू ही है। एक टाइम का किचड़ खाने के लिए कम से कम 9-9:30 बजे खड़े हो जाओ, बैठे रहो लाइन पे तो कम से कम 11 बज जाता है। बड़े मुश्किल पेट के वजह से जीना पड़ रहा है, अब क्या फायदा। एक किस तारीख से हमने रोटी का शक्ल नहीं देखा, जो कि इसी हाथ से रोटी बना के देने वाला आदमी हम कारीगर इंसान है, मैं नहीं भत्तरे कारीगर है। कैंप में कोई बताया था हमको कि राशन बट रहा है, तो फिर हम आधार कार्ड लेके वहाँ बच्चों को लेके गए थे राशन लेने। राशन नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, ऐसे बगिया दो दो केले मिले थे हमको। इसके अंदर चीनी भी है, पत्ती भी है। बच्चे चाय के लिए रोते हैं, दूध के लिए रोते हैं बच्चे। अब बताओ ऐसा पानी पिला पिला के हम अपना टाइम पास कर रहे हैं। और मोदी और केजरीवाल दिल्ली में, ऑल इंडिया में मशहूर है कि हर गरीबों की हम सहायता करेंगे, मदद करेंगे, किसी बात की परेशानी नहीं आने देंगे। अब वो गरीब इतनी परेशान है, अब वो कहाँ जा रहे मोदी केजरीवाल, क्यों नहीं मदद कर रहे वो? अब इधर बैठो तो इधर से भगाते हैं, बोलते हैं भाग जाओ, ट्रेन बंद है, कहाँ भाग जाऊँ, घर जाने की व्यवस्था है नहीं है, बॉर्डर सब सील है। जूते लाइन में हेल्पर ही कर रहा था जी, कंपनी तो सारा बंद हो चुका है जी। अभी मालिक से बात हुआ कि काम धंधा चलेगा, पीछे के भी पैसे नहीं आ रहा है, तो फिर पैसे हम कहाँ से देंगे, जब पैसे होगा तो फिर हम दे देंगे आपको। 4 दिन हो गए बच्ची को ना कुछ खाया है ना पिया है, क्या करें? अब इसको आप पैदल लेके जाओगे? पैदल लेके जा रहे हैं, 30 किलोमीटर पैदल आ रहे हैं, अब क्या करें, यहाँ से 300 किलोमीटर जाना है। हम लोग किराए पे रह रहे थे, वहाँ भी मालिक मना कर दिया हम लोगों को। अब हम लोग जो है रोड पे आकर के घूम रहे हैं, ना तो कोई गाड़ी है कि हम लोग गाड़ी से जाएंगे। सरकार का अभी तक कोई हम लोग को ठिकाना नहीं लगाया। अब नहीं रहूँगा मैं नहीं रहूँगा। और आने वाले बंदों को भी मना करूँ, दिल्ली मत जाओ। अब क्या करें, ऐसे भी जब भूखा मर ही रहा है तो सोच रहा है कि रास्ते भी मरेगा साले, अब करना क्या है यहाँ पे। तबलीकी जमात मरकज सुपर स्प्रेडर हैज इन्फेक्टेड 18 स्टेट्स। तबलीकी जमात से जुड़े 24 लोग कोरोना वायरस से
पॉजिटिव पाए गए हैं, 24 लोग पॉजिटिव। कोरोना वायरस के दिल्ली में मुसलमानों को बताकर दिल्ली में निजामुद्दीन मरकज में जुटाना, फिर पूरे देश में छोड़ देने का ही तो नतीजा है कि देश में 30% कोरोना केस का कनेक्शन तबलीकी जमात से जुड़ रहा है। निजामुद्दीन के मरकज से निकलकर देश भर में फैले तबलीकी जमात के लोगों ने कोरोना बॉम्ब का काम किया है। The markers, what they have done is napalm the country. Now, this is bio-jihad. Okay, let's not it's deliberate. It's well-planned. It's a damn conspiracy. इतनी नफरत भारत के प्रति इन लोगों में कहां से आ रही है? और आपने लगातार मौलाना ने मौत क्यों बांटी? हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे मुशर्रफ अली खान साहब, जो कि स्पोक्स पर्सन है तालिबानी जमात के। मेरे साथ मुजाहिर रहमान साहब जुड़ेंगे, ये भी मेंबर है तालिबानी जमात के। दीपक जी, आपने तबलीगी जमात को तालिबानी जमात जानबूझ के कहा है या गलती से कहा है? नहीं, मैंने नहीं कहा, माफ कीजिएगा, हमने इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। शोएब जमाई, मेरे मुंह में शब्द मत डालिए, अगर मेरे मुंह में शब्द डलवाएंगे तो दिक्कत होगी। और मैं आपको साफ साफ बोल दूं, मैंने तालिबानी जमात शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है शोएब जमाई। अब कोरोना ये महामारी, ये संक्रमण हिंदू मुसलमान भी हो गया, लेकिन क्रोनोलॉजी समझाने की जरूरत है। 13 तारीख को देश का स्वास्थ्य मंत्रालय कहता है कोरोना इज नॉट अ हेल्थ स्केयर। 13 से 15 के बीच में 1500 लोग थे निजामुद्दीन में, तो 16 मार्च तक सिद्धि विनायक मंदिर बंद नहीं था। 16 मार्च तक उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर बंद नहीं था। 17 मार्च तक शिरडी का साईं बाबा मंदिर बंद नहीं था। 17 मार्च तक शनि शिंगणापुर बंद नहीं था। 18 मार्च तक वैष्णो देवी का मंदिर बंद नहीं था। 20 मार्च तक काशी विश्वनाथ का मंदिर बंद नहीं था। 19 तारीख को प्रधानमंत्री पहली बार सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, उससे पहले कहा जाता है हेल्थ केयर ही नहीं है। COVID-19 is a dangerous contagion, but much more dangerous than the virus is poverty, joblessness and hunger. You can implement a total lockdown in a country where people have homes, where social distancing is possible, where they have job security, where their salaries are insured despite lockdown. But in a country where 9 out of 10 laborers are in the informal sector with no job security, and the large majority of working poor live in slum shanties, it is impossible for them to maintain physical distance, for them to remain confined into their homes, to maintain the kind of hygiene that the lockdown required. Why have we brought our own fellow citizens into a state where they have been robbed even of their last shreds of dignity? ऐसा नहीं कर रहे, पॉइंट बना रहे कि इस पॉइंट पर खाना मिलेगा ताकि लोग वहाँ पर खो सके। अगर 10 की फैमिली है तो 2 पैकेट दे देते, 5 तक के लिए एक एक पैकेट। ये थोड़ा सा गर्म कम हो जाए, ये गर्म ज़्यादा है तो थोड़ा 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 इंतज़ार कर दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा आप इंतज़ार कर दीजिए। ऐसा रोटी मैं कभी अपने घर में भी नहीं खाई। रोटी भी अच्छी ना? रोटी बहुत बड़ी लगी, खिचड़ी बड़ी मस्त लगी। अब मेरे को यहाँ से उठने का मन नहीं कर रहा है।
आप लोग सब सलामत रहे, ठीक ठाक रहे, सफ़र आपका बढ़िया रहे और एक दिन आए जब आप वापस भी आ सकते हैं। सबको खुदा हाफिज। ये है दुख ख़त्म नहीं होगा, ये दुख तो लगे ही रहेगा जब तक ये परेशानी है, दुख ख़त्म नहीं होगा। जब तक मान लिया कारोबार काम धंधा बढ़ेगा नहीं तब तक ये दुख ख़त्म नहीं होगा। गांव में ऐसी कोई सुविधा नहीं है सर, मजदूरी कर सकते हैं, किसी घर वर बने तो उसमें जाके ईंट पत्थर सीमेंट कर सकते हैं। तुम्हें लगता है कि आप जल्दी आएंगे? नहीं आएंगे, कभी नहीं। दिल्ली में जब तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाएगा उससे पहले सब्जी हम नहीं आएंगे, कोई आए या ना आए हम अपने बच्चे लेके नहीं आएंगे, क्योंकि एक बार तो राम राम करके तो निकल पाए, दूसरी बार हम नहीं आना चाहेंगे। The citizens of our country without any work or food are our own brothers and sisters, our own children and our own elders. It is our collective responsibility to help those in need in these truly difficult times. Thank you.